दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 1971 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा फिल्म रेशमा और शेरा की रीमेक के बारे में। क्या होगा अगर 70 के दशक में बनी रेशमा और शेरा का रीमेक आज के जमाने में बनेगी? कौन होंगे वो कलाकार जो इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आएंगे? इन सभी बातों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा। फिल्म रेशमा और शेरा को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था सुनील दत्त ने। फिल्म की कहानी एस अली राजा ने लिखी थी। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था जयदेव ने। इस फिल्म की हाईलाइट ये थी कि ये 12 साल के संजय दत्त की डेब्यू फिल्म थी। दोस्तों इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे वहीदा रहमान रेशमा के किरदार में, सुनील दत्त शेरा के किरदार में, अमिताभ बच्चन छोटू यानी शेरा के छोटे भाई के किरदार में, विनोद खन्ना विजय के किरदार में, रंजीत गोपाल रेशमा के भाई के किरदार में, राखी गोपाल की बीवी के किरदार में, जयंत सगत सिंह यानी शेरा के पिता के किरदार में, केन सिंह चौधरी रेशमा के पिता के किरदार में, अमरीश पुरी रहमत खान के किरदार में और संजय दत्त कवाली सिंगर के किरदार में। फिल्म रेशमा और शेरा कहानी है दो प्रेमी रेशमा और शेरा की, जिन्हें उनका परिवार वंशवाद के चलते अलग करने की कोशिश करते हैं, जिसमें खून की नदियां बहती हैं, जिसमें शेरा का भाई छोटू अपने पिता के निर्देश पर रेशमा के पिता और भाई को मार देता है। शेरा इस चीज का बदला लेने के लिए अपने परिवार के ही सामने खड़ा हो जाता है और अपने छोटे भाई छोटू को मारने की कसम लेता है अपने प्यार शेरा का गुस्सा और जुनून शांत करने के लिए। और छोटू की जान बचाने के लिए रेशमा अपने प्यार का बलिदान देती है। वो छोटू के साथ शादी कर लेती है, जिसे देखकर शेरा को सदमा लगता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अमिताभ बच्चन उस समय इंडस्ट्री में नए थे और उन्होंने सुनील दत्त की पत्नी नरगिस से गुजारिश की थी कि उन्हें एक रोल दिया जाए, जिसके बाद सुनील दत्त ने अमिताभ बच्चन को मौका दिया। शुरुआत में अमिताभ बच्चन को 15 पेज के डायलॉग्स रटने में काफी मुश्किलात आए और वे डायलॉग्स बोलने में जरा चूक जाते, जिसके बाद सुनील दत्त ने अमिताभ बच्चन के सारे डायलॉग्स कैंसिल कर दिए और आज अपने आवाज के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन को एक गूंगे का रोल दे दिया। ये फिल्म नॉमिनेट हुई थी गोल्डन बियर अवार्ड के लिए और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये फिल्म उस वर्ष भारत की ओर से एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए भेजी गई थी। रेशमा और शेरा एक क्लासिक फिल्म है और इस फिल्म की कहानी उन दिनों आने वाली फिल्मों से काफी अलग थी, जिसके कारण इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी वजह से सुनील दत्त को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें अपना घर गिरवी और पसंदीदा गाड़ी बेचनी पड़ी। उनकी स्थिति फिल्म हीरा के बाद थोड़ी संभली, जिसके बाद सुनील दत्त ने केवल कमर्शियल फिल्म्स किए, जैसे नहले पे देला और रॉकी। म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव ने इस फिल्म के लिए उस साल का नेशनल अवार्ड बेस्ट म्यूजिक के लिए जीता था। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों हम ये मानते हैं कि अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो इस फिल्म में रेशमा का जज्बाती किरदार निभा सकती है कैटरीना कैफ, जो इस किरदार को बखूबी से निभा सकती है। शेरा का इंटेंस और पावरफुल किरदार सिर्फ और सिर्फ सलमान खान दमदार तरीके से निभा सकते हैं। छोटू का किरदार निभा सकते हैं अभिषेक बच्चन, जो इस चैलेंजिंग रोल को उम्दा तरीके से निभा सकते हैं। वही विजय के किरदार के लिए प्रतिभाशाली अभिनेता विकी कौशल सही पसंद होंगे और गोपाल का किरदार निभा सकते हैं सोनू सूद। सागर सिंह के किरदार में परेश रावल कमाल के लगेंगे। वहीं रेशमा के पिता चौधरी का किरदार निभा सकते हैं बोमन ईरानी। ये सभी एक्टर्स आज के जमाने में इन सभी किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। फिल्म की कहानी को आज के दौर से मेल खाने के लिए एक आधुनिक टच दिया जा सकता है। दोस्तों इस फिल्म में ओरिजिनल फिल्म के कुछ गाने के रीमिक्स को भी सुना जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस फिल्म की रीमेक हिट होगी या फ्लॉप? और आने वाले वीडियोस में आप किस फिल्म की रीमेक या सीक्वल देखना पसंद करेंगे? आपके विचार और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।